Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Let's solve one MCQ today. This is about HIV virus and AIDS. Which of the following statement regarding HIV is not correct? Options are, it belongs to family Retroviridae, it is a oncovirus, it is associated with the enzyme reverse transcriptase, and the virus is present in body fluids. The question is from Maharashtra State Examination 2018. So, सबसे पहले HIV के बारे में जान लें. HIV stands for the Human Immunodeficiency Virus. मतलब क्या? तो ये virus after infection it causes immunodeficiency in a patient. Immunodeficiency मतलब जो immune system होती है वो collapse हो जाती है after the infection with the HIV virus. That's why it is a Human Immunodeficiency Virus. इसकी वजह से जो डिसीज होता है वो होता है एड्स. दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो यहां पर ये वायरस दिस इन्फेक्ट्स द टी सेल्स. टी सेल्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम के बाकी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं. इफ टी सेल्स गेट एक्टिवेटेड देन इट एक्टिवेट्स ऑल द लीनिएजेस ऑफ द इम्यून सिस्टम. जैसे कि टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, वो मैक्रोफाज को एक्टिवेट करेंगे, वो दूसरे टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे. और इस डिसीज में ये वायरस टी सेल्स को ही इन्फेक्ट करता है जिसकी वजह से पूरी इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाती है. अब पूरी इम्यून सिस्टम कोलैप्स होने के बाद इट कॉजेस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी. मतलब इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो गई इसलिए इसे इस पर्सन को बाकी सारे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो सकते हैं. बाकी छोटे छोटे इन्फेक्शंस फ्लू है या फिर और कोई इन्फेक्शन है वो बहुत फास्ट हो सकता है और उसकी वजह से डेथ हो सकती है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ सिंड्रोम. मतलब मल्टीपल कॉजेस मल्टीपल डिसीजेस इन्फेक्शंस आर देयर एंड ड्यू टू द पर्सन सफर्स वेरी मच. इसलिए इसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इस वायरस की वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगी एंड इट्स अ सिंड्रोम. तो ये है एचआईवी वायरस. इट्स अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस. इसमें आउटर कवरिंग जो है, जो लिपिड बायलेयर है, उसके ऊपर प्रोटीन्स होते हैं दैट आर GP120 एंड GP41. दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन अ लिपिड बायलेयर ऑफ द वायरस. तो यहां पर हम देखेंगे तब GP120 इज देयर एट द आउटर साइड एंड GP41 इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. दिस इज there in a lipid bilayer. So this GP120 is associated with GP41. इस तरह के viral envelope पर 72 numbers of proteins are there. यहाँ पर GP120 जो है वो virus के infectious cycle में मदद करता है. This GP120 serves as a viral receptor for CD4 on the host cell. T helper cell पर जो CD4 molecules होंगे उसके साथ interaction के लिए ये GP120 is there. Then there is a P17 molecules are there. यहाँ पर P17 और P24 ये जो दो proteins है वो viral capsid और द वायरल कोर बनाते हैं.
इसके बाद यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. देर आर टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन अ एचआईवी जीनोम. सो दिस इज अ आरएनए वायरस एंड फॉर इट्स लाइफ साइकिल टू कैरी आउट इट विल नीड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है, उसके भी दो कॉपीज हमें दिखाई देते हैं. इसके साथ यहाँ पर P10 प्रोटीएज और P32 इंटीग्रेज. इंटीग्रेज जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जब डीएनए जीनोम बनेगा वो डीएनए होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट करने के लिए काम आएगा. तो दिस इज अ P32 इंटीग्रेज इज देयर प्रोटीएज टू डिग्रेड द प्रोटीन्स एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज देयर विथ ईच कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. तो ये वायरस रिट्रोविरिडी फैमिली में से आता है एंड इट इज हैविंग अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन इट. नाउ दिस वायरल एनवेलप दिस हैज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल एंड ड्यू टू दिस दिस इज हैविंग एमएचसी मॉलिक्यूल्स ऑन दैट. एमएचसी प्रोटीन्स एमएचसी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2 ये जो होस्ट सेल पर होते हैं वैसे ही वायरस के लिपोप्रोटीन लिपिड बायलेयर के ऊपर आ जाते हैं. एचआईवी वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स और ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड में मैक्रोफाज डेंड्राइटिक सेल्स इनके ऊपर एचआईवी वायरस is attached and it can spread from one person to another person. Secondly, it can spread from mother to fetus. Jab this is also through the blood or it can be with the help of milk. So we can say HIV virus is present in body fluids. Now after discussing this, when we look at the options, we find that HIV belongs to family retroviridae. This is a correct statement for HIV. It is an oncovirus. This is a wrong statement. It doesn't cause cancer. Then option C is it is associated with the enzyme reverse transcriptase. Yes, it is having RNA as a genome, so require reverse transcriptase. And the last option says the virus is present in body fluids. So this is also a correct statement for HIV. So with this we can say that the option B is wrong statement for the HIV. And option B is thus the answer for our question. Now we'll understand what is oncovirus. As always, we discuss all the options given in a question. So we have gone through other options, but we need to understand what is oncovirus. So let's understand what is oncovirus. Yes, knowing more about the oncoviruses. Oncoviruses are basically the viruses which causes cancer. During this infection, they inactivate p53 and retinoblastoma protein in the host. ये जो protein होते हैं p53 और retinoblastoma ये cell cycle के control के लिए protein होते हैं. These are tumor suppressor proteins. ये protein cell cycle को control करते हैं जिसकी वजह से tumor formation नहीं होता. जब ऑंकोवायरस से इन्फेक्शन होता है तब इनका फंक्शन अफेक्ट होता है. द फंक्शन ऑफ दीज प्रोटीन्स गेट अफेक्टेड और उसकी वजह से द ट्यूमर कैन फॉर्म. दैट्स व्हाई दीज वायरसेस आर कॉल्ड ऑंकोवायरसेस. द एग्जांपल्स ऑफ ऑंकोवायरसेस इंक्लूड अपस्टीन बार वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस and hepatitis B and C virus. Here I am concluding with today's video.
If you like my videos, I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.